Hi guys, good morning everyone. Welcome to the daily newspaper analysis for today. That is uh, 28th of December, where we will cover today and tomorrow, i.e., two newspaper karenge, uh, Because kal Sunday, ko session didn't and uh, finally, the stream is working. There was some issue with the streaming, issue, uh, you know, jo device. Hai aapka. So finally, it's working. Good to see all of you. Good morning, everyone. I hope all of you are doing great. You people had a good weekend. अच्छे से आपने पढ़ाई भी करी एंजॉय भी किया हो आई होप यू ऑल गाइज हैड अ गुड क्रिसमस चलिए तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग कैसे आप लोग गुड मॉर्निंग गाइज आई एम गुड आई एम गुड थैंक यू तो बिफोर वी बिगिन एज यूजल हमारे डेली मोटिवेशनल कोड सक्सेस इज ओन्ड इट्स रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे तो एक बार जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है वहां पर रहना सबसे ज्यादा मुश्किल है यू नो वो बी एट द टॉप यू हैव टू कंटिन्यूसली हसल एवरी डे सिंगल हर दिन मेहनत लगती है क्योंकि पहुंचने से ज्यादा मुश्किल है उसको मैंटेन करके रखना सो मटेनेंस इसकी बहुत लोग पहुँच जाते हैं लेकिन उसको मेन्टेन नहीं कर पाते सो द आइडिया इज़ टू मैंटेन द पोजिशन ठीक है सक्सेस जो है वो एक बार आती है दो बार आती तीन बार आती कितने बार भी आए लेकिन हर बार उसको मैंटेन करना बहुत जरूरी है तो इस वजह से नैबर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड है ना कोई भी चीज़ ग्रांटेड लेनी चाहिए अगर ठीक है बन गए आप जो सिलेक्शन हो गया ठीक है बट काम करते रहना जरूरी है काम करते रहना ज़रूरी है उसको आ, मेंटेन करना भी ज़रूरी है और यहाँ पे सक्सेस सिर्फ सिलेक्शन से नहीं है सक्सेस यहाँ पे ये भी है कि आपने छोटे छोटे गोल्स बनाए कि चलो आज मैंने इतनी पढ़ाई कर ली बहुत अच्छा आज मैंने इस इस हफ्ते मैंने लैक्से कि अगर मैंने uh, आठ घंटे पढ़े और लगभग सिक्सटी आवर्स कम्प्लीट किए इन अ वीक तो नेक्स्ट वीक वो सिक्सटी से सिक्सटी वन ही होना चाहिए ऐसा नहीं कि फ़िफ्टी फाइव पर आ गए कभी कभी चलता है कभी कभी चलता है मतलब यहाँ पे छोटे छोटे गोल्स भी सक्सेस आपके लिए हो सकते हैं छोटे छोटे यू uh, नो you know, आप अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो द आइडिया इज दैट राइट तो जब स्मॉल टारगेट्स बनाओगे चलिए तो एज यू नो आज अट्ठाईस दिसंबर है और सत्ताईस जून को प्रिलिम्स है ज्यादा टाइम नहीं रह गया ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स दिसम्बर भी खत्म दो हजार बीस कब निकल गया पता नहीं चला एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर कि दो हजार बीस ऐसा क्यों लगा कि जैसे हम लोग एक यू you नो know, टाइम कैप्सूल में और आया और चला भी गया तो इस पर एक स्टडी आई है मैं सोच रहा हूँ उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा नाउ टॉक तो अबाउट इट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो तो आप देखो सत्ताईस जून में आने वाली है और उसी को लेकर अगर आप देखोगे कई सारे हमने बैचेस लॉन्च किए हैं जिसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं यूजिंग द कोड डी टू सेवन ये ऑफर सिर्फ इकतीस दिसंबर तक ही एप्लीकेबल है जहाँ पे आप कंबाइंड ले सकते हो जीएस प्लस ऑप्शनल एंड जीएस आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल मतलब ये ऑफर मिलेगा बट ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो सेवेंटी थाउजेंड फॉर जी एंड एटी फॉर आइकॉनिक इस पर अगर आप डीप टू सेवन या डीप वाई कोड यूज़ करोगे तो इससे और टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा तो इफेक्टिवली ये आ जाएगा सिक्सटी थ्री थाउजेंड और ये आ जाएगा आपको ऑलमोस्ट uh, अगर आप इसको घटाओगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा एट थाउजेंड कम कर दो एट्टी थाउजेंड के आसपास आ जाएगा सो आइकॉनिक में यू गेट मोर पर्सनलाइज गाइडेंस बाकी ये हम लोग डेली करते हैं कल संडे को नहीं हुआ था आज हम लोग करेंगे इसको आज अट्ठाईस दिसंबर को ये कुछ बेहतरीन कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं सिक्स मंथ्स बैच है ये ट्वेंटी वन के लिए क्रैक करने के लिए बाई इंडिया टॉप एजुकेटर्स तो ये सिक्स मंथ्स बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं पीडीएफ स्टडी मटेरियल इंटरव्यू प्रिपरेशन सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगी उसके अलावा 28 दिसंबर कोई एक साल के प्रपरेटरी बैचेस भी हैं 2022 के लिए जो आप ज्वाइन कर सकते हो फुल सिलेबस कवरेज प्रॉपरली आपको मतलब अगर आपने एक बार बैच ज्वाइन कर लिया आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है जस्ट हैव टू फॉलो वॉट इज बिंग टॉट इन द बैच जी साथ में आप ऑप्शनल जो भी लोग हैं उसके साथ आप कर सकते हो देन हिंदी बैच भी हैं इक्कीस दो और दो के लिए जो आप ज्वाइन कर सकते हो सिमिलरली कंप्लीट इंग्लिश बैचेज भी हैं इंग्लिश हिंदी एंड बाईलिंगव तीनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे साथ रोज नए और भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यहाँ पे बेल आइकन को क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल जो है आर्टिकुलेट का यहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिल जाएंगे मटेरियल एंड अपडेट्स भी मिल जाएंगे कि आने वाले कौन से सेशन हैं जो शेड्यूल है राइट बाकी ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक आपको पता है मैंने बता दिया है अच्छे से और ये मेरी प्रोफाइल है इसको आप स्कैन कर सकते हैं मेरी अन अकेडमी जाके आप जाके आपको दिख जाए कि मैं कौन कौन से कोर्सेज ले रहा हूँ या फिर मेरी कौन कौन सी फ्री स्पेशल क्लासेज शेड्यूल्ड हैं इस मंथ में गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग तो आज दो एडिटोरियल हम लोग पहले देखेंगे पहला एडिटोरियल है रिगार्डिंग एम के नारायणन जी ने जो लिखा है वो है कि फ्रॉम एन ईयर ऑफ अनईज़ इस साल बहुत सारी चीज़ें हो गई तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया उसको समराइज़ किया है कि भाई बहुत कुछ हो गया इस साल तो ईयर ऑफ अनीज उन्होंने बताया क्या क्या हो रहा है कैसे कैसे एक तरीके का नहीं कल नितिन सिंह आने वाली जो सेशन था वो नहीं हुआ था कल कल ब्रेक था उसमें उसको भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे एनी वे सो ये जो आ, आर्टिकल है इसमें ने काइंड ऑफ रिकैप दिया है कि दो में क्या क्या हो गया और क्या क्या आगे करने की ज़रूरत है ठीक ठाक आर्टिकल है मतलब दे इज नथिंग न्यू इन इट बट येस yes, मतलब एक तरीके का रिकैप है तो हम लोग भी जल्दी से क्विकली इसका रिकैप करेंगे दूसरा आर्टिकल अच्छा है दूसरा आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट योर वैक्सीन जो मिलेगी कोविड की उसको जो ट्रयाज बनाया गया है कि कैसे जो हाई प्रायोरिटी रिस्क ग्रुप है उनको पहले मिलना चाहिए या, या यंगस्टर्स को पहले मिलना चाहिए उसके बारे में एक डिबेट है छोटा सा जिसको हम लोग कवर करेंगे बाकी फिर हमारी नॉर्मल न्यूज़ है क्योंकि हम लोग दो दिन का न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं सत्ताईस तारीख और अट्ठाईस तारीख सत्ताईस यानी संडे अट्ठाईस मतलब आज मंडे तो दोनों दिन के न्यूज़पेपर को हम लोग कवर करेंगे ताकि आप लोगों की कोई भी इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट न्यूज़ जो है वो छूटे नहीं तो चलिए पहले स्टार्ट कर दें आज का जो हमारा डिटोरियल अनालिस है नोट्स फ्रॉम अ ईयर ऑफ अन अब ये जो है एम के नारायण जी फॉर्मर एन हैं इन्होंने जो है uh, ये आर्टिकल लिखा है अबाउट हाउ यू नो इंडिया हैज़ बीन सीन सम ऑफ द इशू ऑफ़ कोर्स ये बात है सबसे पहला जो इशू उन्होंने मेंशन किया होगा दैट इज़ गोइंग टू बी कोविड पैंडेमिक ठीक है यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने माइंड मैप मैपे दे दिया है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है माइंड मैप भी है टेक्स्ट फॉर्मेट में भी है सब चीज लिखी हुई है आपको जैसे बेहतर लगे आप लोग वैसे उसको यूज कर सकते हैं तो तीन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन भी है यहां पे माइंड मैप भी है और यहाँ पे टेक्स्ट भी है जिसको जैसी सहूलियत तो वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आ, एक सेकेंड सो so, पहली चीज ऑफ कोर्स वाज गोइंग टू बी द कोविड नाइनटीन पैंडमिक जिसने हर इंडियन सेगमेंट और सोसाइटी को अफेक्ट किया ठीक है चाहे वो आपके वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो उसको लेके इशू हो रहे हो या कोविड पैंडमिक एक तरीके से आया जिसने सब लोगों की दुनिया ही बदल दी मतलब आप देखो मतलब मैं वही बात कर रहा था सेशन स्टार्ट होने से पहले कि ये साल ऐसे निकल गया पता नहीं चला इट वॉज़ ऑलमोस्ट लाइक अ टाइम वॉप कि आप एक टाइम कैप्सूल में बैठे हो बस पता नहीं चला और आठ नौ महीने ऐसे निकल गए पता ही नहीं चल रहा ठीक है एंड दूसरा अगर आप देखोगे इज़ इंडिया uh, जो है दूसरा इशू जो चल रहा है हमारा वो है चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट जो गालवान वैली से स्टार्ट हुआ और वो अभी तक चल रहा है दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन अभी उसमें भी कुछ फाइनल रिजल्ट आया नहीं है अभी वहाँ के जो कमांडिंग जनरल हैं लद्दाख साइड के फ्रॉम द चाइनीज साइड उनको चेंज कर दिए गए अब नए जनरल आ गए थर्ड इज़ यो इंटरनल प्रॉब्लम लाइक नक्सलाइट वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी भी चल रही है फोर्थ इकोनमी एज यू नो इज़ इन रिसेशन ठीक है अभी इकॉनमिक रिकवरी हो रही है बट अभी उतनी अच्छे तरीके से नहीं हुई है

ongoing farmers फार्मर्स प्रोटेस्ट रिगार्डिंग and the three एंड farm थ्री न्यू फार्म बिल्स तो इन्होंने सारे जो इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे इन्होंने अलग अलग पैराग्राफ में बता दिया कि ये हो गया ये हो गया ऐसे इन्होंने हाईलाइट किया एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है जो है पार्लियामेंट में जो हमारा जो क्वेश्चन आवर था उसको नहीं यू नो अलाउ किया गया क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया गया पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग रुकी हुई है उसके बारे में भी इन्होंने थोड़ा यहाँ पर मैंशन किया है अबाउट द इशू इन द आर्टिकल कि पार्लियामेंट को भी एक्चुअली फंक्शन करना चाहिए था सो दैट ही इज़ हाईलाइटेड दैट इवन दैट इज़ नॉट वर्किंग तो दैट इज़ वन ऑफ द इशूज़ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे माइंड मैप पे कोविड नाइन्टीन चाइना जम्मू एंड कश्मीर पोलिटिकल इशूज़ इकानमी एंडस्लेशन ऑन सोशल इशूज़ अब जैसे इसमें एक इशू जो आपको पता होगा क्या है फार्मर इशू तो चल रहा है बाकी यूपी का जो एंटी कन्वर्जन बिल आया है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल माने जा रहा है कि आप शादी नहीं कर सकते मुस्लिम लड़के से नहीं तो वो मतलब वो जो मैरिज है उसको नलीफाई कर दिया जाएगा तो एंटी कन्वर्जन बिल इज अनदर इशू दैट ही हीज हाईलाइटेड दैट हैज कम टू द फोर फ्रंट तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोविड नाइन्टीन ने लगभग वन पॉइंट फाइव लाख फर्टिलिटीज कर चुका है डेढ़ लाख लोग मर चुके हैं इंडिया में कोविड नाइन्टीन से और पता नहीं रियलिटी में कितने मरे होंगे अभी वी आर स्टिल हैव टू असर्टेन द फिगर अभी तो ये ऑफिशियल फिगर्स से अभी काउंटिंग दोबारा होगी तो पता चलेगा कि शायद ज्यादा लोग जो हैं उनकी मोटालिटी हुई है बट पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो हमने सक्सेसफुली एक करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे इन्फेक्शन टोटली हो चुके हैं इंडिया में उसके अलावा चाइना का इशू आपको पता है कि यू नो अलाट ऑफ इंडियन सोल्जर्स मार्टर्ड ये जो स्कर्मिशेज हुए जो डिस्प्यूट हुआ गलवान वैली में जम्मू एंड कश्मीर और नक्सलाइट वायलेंस अभी भी हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ रोज़ ही पता चलता है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है एंड दैट हैज़ बीन हैपनिंग और जनरली क्या होता है कि विंटर टाइम में थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि स्नो बहुत पड़ती है बट स्लिप स्नोफॉल से पहले और स्नोफॉल के बाद ये थोड़ा एक्टिविटी बढ़ती है टेररिस्ट की दे ट्राई टू क्रॉस दी एल दी दी लाइन ऑफ कंट्रोल एल ओ सी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं वहीं पर सिमिलरली अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ आस पास के जो ही नक्सलाइट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है धीमे धीमे एंड सम ऑफ देम यू कैन से इज कॉज बाई द रिजेंटमेंट ड्यू टू आर्टिकल थ्री सेवेंटी रिमूवल इन जम्मू एंड कश्मीर उसके अलावा मतलब अगर आप देखोगे जो अदर इशू है दैट इज़ जो फोर फ्रंट पे आया है जीएसटी एस टी कॉम्पनसेशन सेस को लेके या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें जो सबसे इस समय जो चल रहा है वो है वेस्ट बंगाल जो फ्लैश पॉइंट है करंट जो काफ़ी इशू निकलता चला जा रहा है मतलब अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन इज वन ऑफ द लोएस्ट एट इट्स टाइम अगर किसी स्टेट की हम बात करें जहाँ पे सबसे खराब रिलेशन है इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के वो कि वेस्ट बंगाल है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन लीडर जा रहे हैं पोलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट जा रहे हैं उनके ऊपर लोग अटैक कर दे रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो आईपीएस ऑफिसर्स को बोल रही है कि आप आओ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो है बातचीत की जाएगी आपसे इंक्वायरी मांग की जाएगी आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी आई ऑफिसर मना कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के बोलने में कि हम नहीं जाएंगे मतलब इमेजिन द ऑडेसिटी कि क्यों आप ये दिखा सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कितना ज़्यादा उन्हें सपोर्ट कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचए एच नोडल अथॉरिटी वो बुला रही है आईपीएस ऑफिसर को कि आप लोग आइए यहां पे जवाब दीजिए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बोल रहे हैं हम नहीं आएंगे आई एस ऑफिसर क्योंकि दिनों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें रहना वेस्ट बंगाल में ही है सेंटर में तो जाना नहीं है और वैसे भी दे आर एट द रिटायरमेंट एज सो दे आर हार्डली बॉर्ड वहीं पर अगर कोई यंग ऑफिसर होता तो शायद उसको लगता रहे है मेरे करियर की बात है बट नाउ दिस पीपल आर रियली नॉट बॉर्डर्ड बिकॉज दे नो दे आर गोइंग टू स्टे इन वेस्ट बंगाल बट इफ टुमारो यू नो द ममता बैनर्जी लूज द इलेक्शन देन द पिक्चर इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है आई एम ब्रिटिश श्योर इट्स गॉन्ट बी अ टफ फाइट आई एम नॉट रिली श्योर क्या होने वाला है बट बीजेपी का भी काफ़ी सपोर्ट बढ़ा है और जिस तरीके से अमित शाह जी वहाँ पर रैली कर रहे हैं यू नो वेन अमित शाह गोस तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे जरूर होता है तो अमित शाह गए हैं और शुरू से ही रैली लगे इवन तो इलेक्शन अभी बहुत छः सात महीने बाद हैं बट रैली और जो जो काम है वो अभी से चालू हो गया है और अभी से ही आपको दिख रहा होगा टसल चालू हो गई तो ये भी एक अलग फ्लैश पॉइंट है जो चल रहा है पॉलिटिकल इश्यूज़ में अगर आप देखोगे तो यही एक जो मेजर कंसर्न है अभी दिल्ली एंड कोलकाता के बीच में लोवेस्ट Uh, जो है आप कह सकते हो uh, नादिर में है रिलेशन नादिर में दोस्ट एप और पॉलिटिकल पोलराइजेशन का एक कंसर्न जो है उठा है उसके अलावा पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी है उसको बोला जा रहा है कि अंडरमाइन किया गया है बिकॉज जो सेशन है से वो नहीं करी गए इस बार सेशन नहीं विंटर सेशन नहीं हुआ और जो पिछले सेशन हुआ था उसमें आपका uh, अगर आप देखोगे डिले um, से हुआ बिकॉज कोविड एंड ऑल्सो क्वेश्चन आर सस्पेंड कर दिया गया देन इकोनॉमीज इन रिसेशन स्लिपिंग डाउन द रैंक्स एच डी आई में नीचे जा रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं देन लेजिस्लेशन uh, में अगर आप देखो कि कॉन्ट्रोवर्शियल जो है वो आपका मैरिज को लेके है फार्मर्स और ये फार्मर्स इशू भी जो है अगर आप देखोगे जो फार्मर्स बिल है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिस वजह से इशू हो रहा है तो अब इन्होंने अपने आर्टिकल में एक चीज़ हाईलाइट करी है कि आपको क्या करना चाहिए ठीक है तो अब उसके पहले उन्होंने बोला कि तीन चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट या जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में है क्या वो तीन चीज़ें हैं पहला प्राइम मिनिस्टर मोदी का सपोर्ट ठीक है मोदी जी का सपोर्ट ख़त्म नहीं होता ठीक है मोदी जी का सपोर्ट अभी भी बना हुआ है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और दूसरी चीज़ क्या है कि वो दिख भी रही है चाहे वो आपके जम्मू कश्मीर में डी पोल्स हुए हों अभी या लोकल पोल्स हुए हों कई कई सारे स्टेट्स में या फिर बाकी स्टेट्स में भी अगर आप देखो जैसे बिहार में भी अल्टीमेटली सरकार तो उनकी बनी गई चाहे को से बनी कैसे भी बनी बट कंट्रोलिंग पार्टी तो बीजेपी ही रही तो पॉइंट ये कि तीन चीज़ें जो हैं इस समय करंट गवर्नमेंट को या करंट पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं या फेवर में है पहला है इनका कि एक तो विनेबिलिटी जो हमने बात करी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में कल आज भी कर बात करेंगे गवर्नेंस की क्लास में कि इलेक्टोरल सक्सेस जो है रूलिंग पार्टी की वो चली रही है उसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है पॉपुलैरिटी ऑफ द पी कीप्स ऑन ग्रोइंग इरेस्पेक्टिव ऑफ वट इट इज एंड एंड अगर आप देखोगे देर इज़ अर एबसेंस ऑफ अ सीरियस कॉम्पिटिटर इन द नेशनल स्टेज मतलब अगर आप देखोगे ऑपोजिशन है ही नहीं मतलब मोदी जी के टक्कर का कोई है नहीं ठीक है मोदी जी के टक्कर का कोई है ही नहीं मतलब कोई ये बोल सके कि भाई आई एम देयर टू चैलेंज बट इसका मतलब ये नहीं दैट दे शुड बिकम कंप्लेसेंट कि भाई ये चलो मेरे ऑपोजिशन में कोई नहीं है तो उसमें जो आइडिया है वो ये है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि पहले तो सेंट्रल स्टेट जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करें ठीक है उसको कोशिश करें कि जित ताकि बाकी स्टेट से भी ना हो जैसे अभी केरला से भी हो रहा है अभी आज हम बात करेंगे केरला में जो उनके सी एम है उन्होंने जो कैबिनेट है उन्होंने बोला एक इमरजेंसी सेशन बुलाने के लिए गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया आरिफ मोहम्मद खान जी को कि हम जो थ्री फार्म बिल हैं उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं और आप एक इमरजेंसी सेशन बुलाओ जिसको लेके आरिफ मोहम्मद खाफ साहब ने मना कर दिया अब उसको लेके गवर्नर और और चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार के बीच में विवाद हो रहा है जो पहले भी चल रहा था लास्ट ईयर सीए को लेकर हुआ था इस साल फार्म बिल को ले हो रहा है एंड सो इरस्पेक्टिव वॉट एवर इज़ हैपनिंग जो रूलिंग पार्टी है दे केन मेक सर्टिन चेंजेस एंड अंडरटेक मेजर चेंजेस ठीक है वो ओल्ड आइडियाज एक तो छोड़ सकते हैं अपने एंड दे केन मैन रिलेशन विद चाइना ऑन और फेस द चाइना विद अ न्यू स्ट्रेटेजी मतलब चाइना के साथ थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है स्पेशली विद द कमिंग ऑफ जो बाइडन क्या सिचुएशन रहेगी वो देखने लायक होगी बट अफकोर्स बाइडन इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट चाइना एंड एनी वे ठीक है देन द अदर स्टेप विल बी टू बूस्ट द इकोनॉमी अब इकानमी कैसे बूस्ट करो पहले तो देखो एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है अब इसमें एक जो कंसर्न है उन्होंने बोला ये बोला कि आत्मनिर्भर भारत अपनी जगह ठीक है बट आत्मनिर्भर भारत डज नॉट मीन कि आप सिर्फ इम्पोर्ट को जो है कैंसिल कर दो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते रहो एज यू नो हमारी इकोनॉमी जो है वो इम्पोर्ट ड्रिवन है हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है एक्सपोर्ट करने के लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप जो है एक्सपोर्ट पर फोकस जो है आप कर रहे हो लेकिन इम्पोर्ट बंद कर दिया उसकी अभी भी जरूरत पड़ेगी और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें डाइवर्सीफाई करने पड़ेंगे अपने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं गुड्स हैं जिस अलग अलग चीज़ों में हमें जाना पड़ेगा ताकि हमको वो थोड़ा एक लेवरेज और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिले देन वी नीड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इनटू टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक्स ठीक है रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आर में हमें और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मोर टू द एक्सटेंड ऑफ जी टी पी हेल्थ केयर में हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये मतलब आर्टिकल मैंने लिखा है बट मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स द नीड ऑफ़ द आवर टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द जी डी पी तो एटलीस्ट ये लेके आए तब जाके तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट थोड़ा बहुत उस रास्ते पे आएगा कि एटलीस्ट जो लोग हैं हमारे इकोनॉमी वो हेल्दी रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे हेल्दी नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा आप देखो बिकॉज अब ये कोविड पैंडमिक बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आपका हेल्थ केयर सिस्टम सही नहीं है तो चाहे आपके कितने भी स्किल्ड वर्कफोर्स हो इवेंचुअली वो इकोनॉमी डिक्लाइन ही होगी बिकॉज लोग काम नहीं कर सकते इफ दे फॉल सिक इफ द फॉल्सिक इज हाई दे कांट वर्क राइट सो so ऑबियसली बात है कि आप चाहे कितना भी किसी को स्किल कर दो ट्रेन कर दो उसको वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन दे दो लेकिन अगर हेल्थ केयर सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो वो फेल ही होगा आपका बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स मशीन्स इन दमसेप्स अभी भी हम लोगों को ह्यूमन बींग्स की फुल केपेबिलिटी केपेबिलिटी पता नहीं है कि बॉडी कैसे काम करती है आप देखो रोज एक नया वायरस का म्यूटेशन आ रहा है रोज एक नया वायरस का म्यूटेशन आ रहा है उससे क्या पता चल रहा है कि हर जगह अलग तरीके से वायरस काम कर रहा है तो सींग दिस सिनारी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर एंड सिमिलरली लेबर मार्केट को रिफॉर्म करना एंड एन्श्योरिंग ग्रोथ इन जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि लास्ट दो तीन साल से आप देखोगे सबसे लोवेस्ट में है जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज बहुत ज्यादा यूथ इस समय इंडिया के अनएम्प्लॉयड हैं कोविड की वजह से थोड़ा और हो गया एंड दिस कैन गो इन अ लॉन्ग वे अगर सरकार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करे लोगों को विश्वास दिलाए कि भाई हम कर रहे हैं सिर्फ बोलने से नहीं होगा करना पड़ेगा ठीक है एंड उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सरकार क्या करे पहला स्टेप होगा टू फॉलो दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स कि ये भी सवाल उठे कि सरकार जो है संविधान को दरकिनार कर देती है क्या करती है कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में कर देती है उस पर ध्यान नहीं देती ठीक है उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास किया जा सकता है वो चीज़ जो है पहली वो शेक करती है फेथ किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे तो पहला काम जो होगा इनको होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे स्टिक करना और उसको फॉलो करना तब जाकर थोड़ा बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा अच्छा सरकार इज डूइंग समथिंग टू इंस्टिल द फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड इट इज फॉलोइंग द रूल ऑफ द लॉ ठीक है रूल ऑफ द यू नो द लॉ ऑफ द लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं जब वो करना स्टार्ट करेंगे फिर धीमे धीमे अपने आप चीज़ें थोड़ी और बेटर होने लग जाएंगी तो एक अच्छा आर्टिकल था मतलब आपको चीज़ें सारी पता है यहाँ पे बट इज जस्ट दैट कि एक तरीका का रिकैप था तो काफी लोग जिन्होंने को शायद थोड़ा कुछ चीज़ें मिस हो गई होंगी तो एक तरीके का रिविज़न हो गया कि हमारे इस साल क्या क्या हो गया हमारी जो हम लोग को एमनीजिया हो गया कोविड में कि आज ये हुआ कल क्या हुआ पता चला भूल जाते हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं अगल बगल तो एक तरीके से इस आर्टिकल से हमें पता चला कि क्या क्या चीज़ें हो गई और क्या क्या आगे करना चाहिए हमारी सरकार को इन सब तो सीचुएशन को रिप्रूव करने के लिए सो काइंड ऑफ रिविजन राइट तो ये माइंड मैप आपके काम आ जाएगा एंड ये सेम चीज़ें जो है यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी हुई है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग उसको रेफ़र कर सकें Next article is towards an effective vaccine distribution policy. ओके नाउ दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि जो आपको पता है वैक्सीन जो है वो स्पेसिफिक पहले आपको अलग अलग प्रायोरिटी लोगों को दिए जाएंगे प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए गए ठीक है अब इसमें दो तीन चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की हैं जो हम लोग सोच सकते हैं इनके बारे में ठीक है जो हमारे क्वेश्चन एक सेकेंड ना नंद किशोर जी आपका सवाल थोड़ा टॉपिक से अभी अलग है हम आगे डिस्क, डिस्कस करेंगे अभी पहले टॉपिक खत्म कर लें टेंशन मत लो आप ठीक है आएंगे आपके ऑप्शनल के क्वेश्चन पे भी आएंगे तो उन्होंने पहली चीज़ बोली कि देखो इंडिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है और बाकी सारे देशों में भी स्टार्ट हो रही है अभी इंडिया करेंटली कितने लोगों को वैक्सीनेट करने की सोच रहा है तीन मिलियन लोगों को सोच रहा है कम से कम वैक्सीनेट करने की अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन इन नेक्स्ट सिक्स टू सेवन मंथ्स अगले छः से सात महीने में लगभग सरकार सोच रही है तीन मिलियन लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है और इसमें इन्होंने जो पहली चीज़ बोली है कि अगर हम जिस हिसाब से क्राइटेरिया देखे जो हमने बनाया है कि 50 साल के अबव जो एज के लोग हैं पहले उनको और जो हमारे कोविड फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको जो है पहले किया जाएगा वैक्सीनेट तो लगभग हमारी पॉपुलेशन की सिर्फ बीस जनता है जिनको अभी वैक्सीनेट किया जाएगा सिर्फ बीस अगर आप लाइन वर्कर्स की बात कर लो हेल्थ केयर वर्कर पुलिस पर्सनल्स ओल्ड एज सिटीज़न्स सीनियर सिटीज़न जो हैं अगर आप देखोगे फिफ्टी ईयर्स अबव तो दिस इज ओनली ट्वेंटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर वैक्सीन को वैक्सीन के दो डोज़ेस चाहिए तो दैट मीन्स वी नीड एक्चुअली सिक्स हंड्रेड मिलियन डोजेस ठीक है जो सिक्स हंड्रेड मिलियन चाहिए होंगे क्योंकि टोटल अभी हम एम करें कि तीन सौ मिलियन को देने वाले हैं नेक्स्ट सिक्स सेवन मंथ्स में तो हर एक इंसान पर दो वैक्सीन लगेगी तो लगभग डबल चाहिए तो 600 मिलियन डोजेज प्रोक्योर करने पड़ेंगे अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भारत सरकार ने ऑलरेडी जो हमारी एस्ट्राजेनिका है उसके साथ इन्होंने शायद डील स्टक कर लिए कि पाँच मिलियन तो वहाँ से ले लेंगे और बाकी जो रेस में है वो है कोवैक्सीन एंड रशिया की स्पुतनिक फाइव जिसकी टेस्टिंग अभी डॉक्टर रेड्डीज़ लेबॉर्टरी कर रही है तो वो भी एक बार अप्रूवल आ जाएगा तो शायद बाकी उससे भी मिक्स कर देंगे तो पूरा क्या होगा हमारे पास डाइवर्सिफाइड वैक्सीन होगी पाँच सौ मिलियन तो कह रहे हैं कि हमारी जो एस्ट्राजेनिका वाली आ जाएगी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हमारे लिए अच्छी चीज़ किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैनुफेक्चर है तो यहाँ यहीं से बन के जाती है पूरे वर्ल्ड में तो पाँच तो वहाँ से आ जाएगी बाकी जो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा है वो हमारा कहाँ से आ जाएगा शायद कोवैक्सीन आ जाएगी और रशियन स्पूतनिक फाइव जिसका हंड्रेड परसेंट एफिकेसी मानी जा रही है तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं बाई डॉक्टर रेड्डीज लैब्स तो ये जो है अब और इमरजेंसी यूज़ के लिए भी ऑथराइजेशन बहुत जल्दी इनको मिल जाएगा तो वो भी चीज़ें इन प्रोसेस चल रही हैं अब इसमें कुछ इश्यूज़ हैं जो उन्होंने लिखे हैं आर्टिकल में जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है और हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था और मुझे लगा भी था कि इसके बारे में बात करनी चाहिए अच्छा है कि आर्टिकल आ गया अब इसमें जो पहला सवाल उठता है वो उठता है प्रायोरिटी को लगे कि, कि किसको प्रायोरिटी दी जाए ठीक है अब अगर आप देखो कि हु गेट्स प्रायोरिटी प्रोवाइडिंग जो है हमारे कौन है फ्रंट लाइन वर्कर्स जो बात करी उन्होंने कि फ़्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए बट आइडली वॉट आई वुड से जो आर्टिकल में भी लिखा है इनको मिलना चाहिए बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो दो जो दूसरा ग्रुप है जिसपे उन्होंने सीनियर सिटीजन्स फिफ्टी ईयर्स अबव जो इन्होंने क्राइटीरिया बनाया है उसमें थोड़ा एक तरीके का आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन किया जा सकता है कि उसके नंबर थोड़े कम करके दे शुड ऑल्सो वैक्सीनेट द यूथ कैन यू टेल मी वाई वी शुड वैक्सीनेट द यूथ उसका सिंपल रीज़न है इंडिया में और बाकी सारे देशों में भले ही यूथ की मोर्टालिटी कम हो कम्पेरेटिवली बट यूथ जो है सबसे ज़्यादा स्प्रेडर है दे आर द फास्ट स्प्रेडर बिकॉज दे आर मोबाइल वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं जॉब कर रहे हैं बाहर हैं काम पर निकले हुए हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो यूथ जो है सबसे बड़े फास्ट स्प्रेडर हैं क्योंकि वैक्सीनेट करने का पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि एक तरीके से उसके खिलाफ प्रोटेक्शन देना वैक्सीनेशन करने का पर्पज़ है उसको वायरस को स्प्रेड करने से भी स्टॉप करना जो हम शायद ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं इस बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें वायरस को फैलने से भी रोकना है जिनको हो गया है वैक्सीन लगा दिया है ताकि आगे लोगों को ना हो लिस्ट लगाई जा रही है उसके साथ साथ यंग लोगों को भी करना पड़ेगा ताकि वो लोग स्प्रेड ना करें बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट कैरियर्स बिकॉज ओल्ड एज सिटीजन या सीनियर सिटीजन आर नॉट दैट मोबाइल ठीक है घर पे रहते हैं ज्यादा थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं उतना ज्यादा मोबाइल नहीं है जॉब पे नहीं जा रहे हैं एक्चुअली में सबसे ज्यादा तो इस समय जो प्रोन अगर आप देखोगे तो इंडिया का यूथ है तो ये क्या है कि ये चीज पे हमें फोकस करना जरूरी है दैट वी शुड आल्सो अपार्ट फ्रॉम गिविंग प्रायोरिटी नो डाउट टू द एल्डर्स बिकॉज दे आर वनबल दे आर वीक उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है बट थोड़ा सा हमें ना वैक्सीन्स निकाल के उससे धीमे धीमे ग्रेजुअली हमें थोड़ा यूथ को भी देनी पड़ेगी बिकॉज एल्डरली आर लेस मोबाइल एंड हैव अ लोअर लेवल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन हमारा जो यूथ है उसका सोशल इंटरेक्शन लेवल ज्यादा है तो इस वजह से आप देखोगे उन्हें भी वैक्सीनेट करना जरूरी है अब ये सरकार अकेले नहीं कर पाएगी द आइडिया इज़ दैट द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डू इट अलोन एंड वो कर नहीं सकती उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा हमें चाहिए होंगे प्राइवेट प्लेयर्स need the role of private players private hospitals in it the government is not able to going to do it alone so ye ये एक important point पॉइंट है जिसपे हमें देखना पड़ेगा एक डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ है But इसका रीजन बहुत ज़रूरी है मतलब एक असेंशियल चीज़ है जो देखना पड़ेगा इसलिए स्लम एरियाज़ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज लाइक ठीक है ये सब एरियाज में या फिर दिल्ली में अगर आप देखोगे किंग्स वे कैम्प आस अगर आप देखोगे कलकटा आसपास जितने भी आपके आसपास के एरिया हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोकस किस पे होना चाहिए आपके जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है जहाँ से जल्दी से वायरस स्प्रेड हो सकता है आपको पता है वायरस का म्यूटेशन क्यों होता है वायरस का म्यूटेशन इसलिए होता है क्योंकि एक वायरस आया ठीक है उसने एक स्पेसिफिक अगर आप देखोगे कंट्री के हिसाब से जो भी सिचुएशन है उनके वहाँ के लोकल जीन्स ठीक है उसके हिसाब से म्यूटेट हुआ कंडीशन के हिसाब से म्यूटेट हुआ तो इसलिए आप देखोगे आपका मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं ऑनेस्टली बता रहा हूं फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम रिसर्चर्स इंडिया में ऑलमोस्ट टू टू थ्री डिफरेंट स्ट्रेन ऑलरेडी हैं वायरस के जो अभी धीमे धीमे हमें पता चलेंगे ऑलरेडी हैं टू से दो से तीन डिफरेंट स्ट्रेन क्योंकि वो इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में कि वो मॉडिफाई हो ही जाएगा वायरस तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपार्ट फ्रॉम दी यू नो हेल्थ केयर वर्कर्स और उसके अलावा जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उसके साथ साथ जो एल्डरली है उनके साथ आप यूथ के भी मिक्स करें तब जाके क्योंकि वी आर गोइंग टू बी द द फास्ट स्प्रेडर्स तो इसीलिए वी शुड हैव वी हैव टू इन्वॉल्व प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड अब जैसे मान लो फाइजर है या फिर कोई भी जो है वैक्सीन uh, कंपनी जाके गवर्नमेंट के पास जाती है इमरजेंसी ऑथोराइजेशन के लिए अब इसमें एक इशू जो उठता है वो ये है कि वो ये भी बोलेगी कि हमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने का भी परमिशन चाहिए दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न क्योंकि वो कंपनी अब देखो उसने इतना रिसर्च में पैसा लगाया है तो वो वो फायदा तो देखेगी प्रॉफिट तो देखेगी तो दैट इज़ वाई दे विल ऑल्सो एन अप्रूवल फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट को पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई इंडियन सिटीजनस के लिए अवेलेबल है वैक्सीन उसके बाद आप एक्सपोर्ट करना चालू करो क्योंकि अगर इंडियंस के लिए नहीं है तो फिर एक्सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं बट प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना भी तो प्रॉफिट देखेगी ना वो बोलेगी नहीं हमें एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा पैसा मिल रहा है अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम जो देखेंगे कि यूरोप में जो वैक्सीन की प्राइस है वो कैसे अलग है देन द प्राइस ऑफ वैक्सीन इन इंडिया और वो गलती से क्या हो गया था रीजनली ब्रिशम हुआ था देखोगे बेल्जियन मिनिस्टर थे उन्होंने गलती से ये सेंसिटिव प्राइसिंग जो है वो लीक कर दी उनसे गलती से हो गया जैसे भी हो गए उन्होंने लीक कर दिया कि क्या प्राइस पड़ रही है वैक्सीन की यूरोपियन यूनियन में और कंपेरिटिवली इंडिया और बाकी आसपास की कंट्रीज में क्या प्राइस उसकी पड़ेगी क्योंकि यूरोपियन यूनियन एज अ सिंगल एंटिटी बहुत पावरफुल है बार्गेनिंग पावर इकोनॉमी उनकी बहुत बड़ी है तो वो लोग अभी हम लोग देखेंगे बट उसके पहले जो एक दो चीज़ें जो हमें ध्यान देनी है कि जब वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट की हम बात करते हैं ठीक है वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि वैक्सीन को हम प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से वो तो एट एट एटलीस्ट पैसे दे के वैक्सीन ले लें मतलब वो इस पर ना डिपेंडेंट हो कि भाई सरकार से वैक्सीन आएगी फिर वो जो है ना वो वैक्सीन लगेगी तो जो दोज पीपल हु कैन अफोर्ड द वैक्सीन द रिच एंड द एलिट ग्रुप बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा उन्हें ना कहीं ना कहीं देखो अगर सरकार भी देगी तो कहीं ना कहीं से वो लोग मैनेज कर लेंगे उसको प्रोक्योर करने के लिए ठीक है इवन अगर गवर्नमेंट भी देगी तो वो लो, लोग देखो पावरफुल लोगों का यही होता है कि दे विल बी एबल टू यू नो कॉल सम शॉट्स एंड दे विल गेट द वैक्सीन अब उसमें सवाल क्या उठेगा अरे सरकार इनका फेवर कर रही है या सरकार जो रिच और एलीट का फेवर कर रही है तो आइडिया होना चाहिए कि दोज पीपल हु हु आर रिच एंड एलीट कैन अफोर्ड दीज वैक्सीन शूड गेट इट फ्रॉम दी प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट प्लेयर से जो प्राइस उसके हिसाब से मिल जाए तट ही एटलीस्ट प्राइवेट प्लेयर को ये तो लगे कि हाँ चलो मेरे को वैक्सीन जो है उसका थोड़ा बहुत प्रोफिट मार्जिन मिल रहा है क्योंकि सरकार तो देखो सब्सिडाइज रेट पर लेगी और उतना पैसे देगी नहीं क्योंकि उनको अपने बिकॉज दे हैव टू वैक्सीनेट दी दी इंटायर जो अंडर प्रिवलेज लोग हैं या जो कह सकते हो कि जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो एक तो ये होना चाहिए कि जो लोग गिव अप कर सकते हैं जैसे इन दिस वी कैन ऑल्सो हैव समिंगल्ड गिव अप स्कीम जैसे एलपीजी का गिव अप स्कीम था वैसे इसका भी होना चाहिए कि जो गिव अप स्कीम होती है कि भाई हम अपने हिसाब से वैक्सीन लगा लेंगे आप जो वैक्सीन अभी पहले जो वनरेबल पुअर सेक्शन है उनको पहले दो ठीक है उनको आप लगाओ पहले या फिर आप जो है जो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स उनको लगाओ बट इंडिया में एक और भी तो दिक्कत है इंडिया में दिक्कत क्या है कि चाहे आप अंबानी भी क्यों ना हो कितने में भी हो जाओ ठीक है आदत इंडिया में लोगों की ख़राब होती है फ्री चीज़ को ही मना थोड़ी करता है अब सरकार दे रही है वैक्सीन फ्री में तो आप ले लो फ्री में ठीक है तो हर कोई सोच जाएगा रहा क्यों भले ही एक रुपये भी जा रहा हो जेब से लेकिन एक रूपये नहीं देना चाहता कोई भी चाहे आपके पास बेहतर बे इनतहा पैसा हो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है तो वो लोग वेट करेंगे एंड तक नहीं भाई हमें वो कोशिश करेंगे कि हमें किसी तरीके से ना बाईपास करके लॉ को या फिर जो है जुगाड़ सिस्टम से किसी ब्यूरोक्रेट से या डॉक्टर से या कहीं पे भी आप देखोगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से हमें किसी तरीके से मिल जाए वैक्सीन तो ये भी एक बहुत बड़ी रियालिटी है इंडिया में क्या कर सकते हैं इसके बारे में कि वो चाहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से हमें फ्री में मिल जाए वैक्सीन ये है चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो फ्री की चीज तो हर किसी को चाहिए होती है चाहे फ्री की टॉफी मिल जाए अब यहां वैक्सीन तो बहुत बड़ी बात है तो <laughs> उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एक ये ही बात की जा सकती है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें हम वैक्सीन बोल देंगे भाई आप ले लो तो आ, अदर थिंग इज दैट दट द गवर्नमेंट उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास एडिक्वेट सप्लाई हो वैक्सीन की तब जाके थोड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला इशू देखा जाए कि भाई क्योंकि देखो कंपनी को प्रॉफिट भी बनाना है ऑब्वियसली बात है कोई कंपनी है उसने बनाया है इतना क्योंकि वो आर एंड डी भी बहुत पैसा खर्च करती है इसको बनाने में तो उन्हें प्रॉफिट कमाने का भी मौका मिलना चाहिए बिकॉज देट विल भी अनफेयर टू देम ऑल्सो बट दे इट हैज टू ऑल्सो इश्योर द गवर्वमेंट हैज़ टू इश्योर कि भाई एटलीस्ट जितने इंडियंस उनके लिए तो अवेलेबल होगी वैक्सीन उसके बाद देखा जाएगा अब इसी में अगर आप देखोगे प्राइसिंग को लेके कंसर्न उठाए तो जैसा मैंने बताया बेल्जियन मिनिस्टर ने गलती से लीक कर दिया अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन में अट्ठारह डॉल डॉलर की एक डोज़ पड़ रही है वहीं पर अगर आप देखोगे फाइज़र जो ये ये जो है अठारह डॉलर वाली मोडरना की है फाइज़र लगभग बारह यूरो की पड़ रही है इंडिया में सेम वैक्सीन की जो ऑलमोस्ट प्राइस आएगी वो आएगी एक डोज की लगभग थर्टी सेवन डॉलर्स ठीक है लगभग थर्टी सेवन डॉलर्स की प्राइस आएगी मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से टेक्निकली अराउंड थर्टी सेवन अगर आज का डॉलर का आप सत्तर सेवेंटी फाइव का भी रेट मान लो तो हंड्रेड हो गया आपका सेवेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ हंड्रेड और आधा हो गया उसका थर्टी थर्टी आपके ऑलमोस्ट सात हज़ार भी मान लो तो थर्टी फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड के आसपास तो सैंतीस डॉलर लगभग इतने हो गए तो पच्चीस सौ के आसपास तो मतलब एक डोज पच्चीस सौ रुपये और दो कंप्लीट डोज के लिए पाँच हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे जो एक्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एक वैक्सीन जो है नॉर्मली भी अगर आप देखोगे इंडिया में वो पड़ेगी 5000 हजार रुपया की अब सरकार ये फ्री में लगाएगी किसको हेल्थ केयर वर्कर्स को फ्रंट लाइन वर्कर्स को पुलिस पर्सनल्स को एंड योर सीनियर सिटीजन को बाकी लोगों को कैसे मिलेगी वो देखने लायक बट ये प्राइस फाइव के आसपास आ रहा है लगभग अगर आप देखोगे राउंड अबाउट कर दो तो फाइव <clears> थाउजेंड <throat> के आसपास टोटल डोजेज आ रहा है तो ये सरकार को देखना पड़ेगा कि ये कैसे मैनेज करना है और जैसा इस आर्टिकल में बताया विद दट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू वैक्सीनेट दू ब दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर और वो जितना जल्दी वैक्सीनेट होंगे बेटर है उनके लिए क्योंकि उनके थ्रू भी म्यूटेशन हो सकते हैं वायरस के तो दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टॉक्स अबाउट एन इशू दैट काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए फाइनली इसके बारे में डिस्कशन चालू हो गया कि अपार्ट फ्रॉम द फ्रंट वर्कर्स यूथ को भी वैक्सीनेट करना जरूरी है तो अच्छा आर्टिकल था आगे बढ़ते हैं हमारी बाकी न्यूज की तरफ पहला जो है एमपी पी कैबिनेट नॉट आगे है फॉर एंटी कन्वर्जन बिल बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूजेस आई है सत्ताईस को भी देखोगे और और अट्ठाईस तारीख जो आज की न्यूज है तो मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 जो है वो क्या करता है लगभग दस साल की सजा देता है आपको ये दिस रिगार्डिंग जो यूपी का सिमिलर लॉ है उसी से आया है आपका ये एक <coughs> दस साल की सजा और एक लाख रुपए का फाइन फॉर मैरिज थ्रू कन्वर्जन या फिर कोई फ्रॉडलेंट तो ये जो यूपी में जो आया है उसी से बिल्कुल सिमिलर है ये ऑफेंस अंडर प्रोपोज लॉ जो है वो क्या होंगे कॉक्रीजेबल होंगे और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो आपको सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा ऐसे छुट्टी छुट्टी नहीं मिलेगी मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा कोर्ट में आपको बेल लेने के लिए तो जो पिछला रिलीजियस फ्रीडम एक्ट है उसको वाला उसको रिप्लेस करने के लिए है एंड अगर ऐसा पाया गया कि कोई शादी हुई थी थ्रू कन्वर्जन तो शादी को भी नलीफाई कर दिया जाएगा इट विल बी बीसिडर्ड एज वेरी सिमिलर टू द लॉ विच वॉज पास इन यूपी तो यूपी और एमपी की सरकार ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की है तो यहाँ पे सेम चीज है तो इसमें एक और भी चीज लिखी हुई घर की अगर कोई कन्वर्जन हुआ इन इन द केस ऑफ अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड माइनर अ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इम्प्रिजमेंट टू ऑफ टू यू नो बेसिकली अप टू दो से लेकर दस साल तक और फाइन यहां पे पचास हजार रुपये का है। अगर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइपे माइनर को कन्वर्ट किया गया इन केस ऑफ मास कन्वर्जन जहां पे दो से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट किया गया है पांच से दस साल की सजा बताई गई है एंड अ मिनिमम फाइन ऑफ रुपीज वन लैक हेज बिन मेड और कोई भी पेरेंट हो लीगल गार्जियन हो कस्टोडियन हो ब्रदर हो सिस्टर हो कोई भी कन्वर्टेड जो जो लड़की है उसके रिलेटिव जो है ये फाइल कर सकते हैं कंप्लेन दिस इज वट इज यू नो जो एम पी का न्यूज में है दूसरा जो है जल जीवन एंड वन लैक वाटर कनेक्टिविटी डेली सो सेंटर का बहुत एम्बिश प्रोग्राम है आपको याद होगा जल जीवन मिशन जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में है तो ये इंश्योर करता है दट एवरी रूरल हाउस होल्ड जो है उसको क्या मिले ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिले दो हजार चौबीस तक तो उसका अगर आप देखोगे कवरेज आ गया है लगभग बत्तीस पॉइंट तीन परसेंट तक आ गया विच इज वेरी गुड एज ऑफ नाउ लगभग छह करोड़ के आसपास सिक्स पॉइंट वन फाइव करोड़ ऑफ द कंट्री हाउस होल्ड जिनके पास पूरी टैप वाटर सप्लाई मिल रही है घर तक और हर साल लगभग जो आ, एम है वो है ये कि हर साल लगभग तीन करोड़ से ज़्यादा आपके टैप वाटर सप्लाई दिए जाए घर जो जो आपके हाउस होल्ड हैं तो ये इसी एम्बिशन पे है कि 2024 तक मतलब कोशिश की जा रही है कि हर रूरल हाउस होल्ड को एक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिल जाए एंड फ्रेश वाटर सप्लाई थ्रू टैप वाटर उसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल पंचायती बॉडीज़ का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट एंड द गवर्मेंट हेज एम्फोसाइज प्रोटेक्टिंग लोकल वाटर बॉडीज क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सब चीज़ों के बारे में भी बात की जा रही है यहाँ पे एंड uh, इसका इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर आप देखोगे फंडिंग को लेकर इशू था अम ऑफ ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन दो हज़ार बीस इक्कीस में लगभग फिफ्टी परसेंट ऑफ द फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स टू रूरल लोकल बॉडीज विल बी यूटिलाइज फॉर वाटर सप्लाई तो लगभग तीस हज़ार करोड़ रुपये जो यूनियन फाइनेंस कमीशन से जाता है अंडर डेवल्यूशन टू द स्टेट्स उसमें बोला गया है कि लगभग तीस हजार करोड़ रुपए जो है उसे रूरल वाटर सप्लाई के लिए ही होना चाहिए उसके अलावा न्यू स्पीशीज ऑफ सनरोज मिला है ईस्टर्न घाट्स में इसका नाम है पोर्तुलर्ड इन प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश सो एबॉटनिसन रोज द न्यू स्पीशीज नेम्ड पोर्तुल लालजी डिस्कवर्ड फ्रॉम प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट इसका यूनिक फीचर है लाइक एक ट्यूबरेस रूट है इसकी कोई हेयर नहीं है नो इनके लीफ इसके लीफ एक्सेल में एक रेडिश पिंक कलर का फ्लावर है आपको दिख रहा है यहाँ पे एंड कॉपर ब्राउन सीड्स है तो ये जो है जो ये जो स्पेसिफिक स्पीशी मिला है इसके बाकी स्पीशी से थोड़ा अलग है और ये नाम से लग रहा है आपको किसी रिसर्चर के नाम पर है सो इट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लालजीत सिंह एंड एमिनस एमिनेंट बोटानिस्ट बोटानिस्ट ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो अंडमान और निकोबार में काम करते थे तो ईस्टर्न घाट सेक्शन में मिला है प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश तो लालजी सिंह के नाम पे रखा गया है इसको हु वाज अ वेरी एमिनेंट इन सर्वे ऑफ इंडिया न्यू स्पीशीज यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक आप लोगों के लिए आ गया एक ठीक है तैयार हो जाओ एग्जाम में इसके लिए कि क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए तो यूपीएससी वेरी हैप्पी विथ न्यू स्पीशीज कि चलो भैया कुछ तो आया नया देन नैनो मिसल्स यूजिंग नैनो पार्टिकल टू फॉर कैंसर ट्रीटमेंट जनरली आप देखोगे संडे को ना साइंस एंड टेक्स से बड़ी न्यूज़ आती है बड़ी इंटरेस्टिंग तो एक नई रिसर्च आई है जहाँ पर नैनो मिसल्स का यूज़ किया जाएगा किसके लिए कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अभी नैनो मिसल क्या होता है दीज आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स और ये अभी नई रिसर्च की फील्ड है जहाँ पे टारगेटेड थेरेपी में इसको यूज़ किया जाता है कि स्पेसिफिक किसी चीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं इसको सो दीज आर लाइक ये यू नो नैनो मिसल्स आर ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर जैसे ऐसे बॉल जैसे दिखते हैं हाइड्रोफिलिक आउटर शैल है ना हाइड्रोफोबिक इंटीरियर मतलब एक साइड जो है वो पानी को अट्रैक्ट करता है दूसरे साइड पानी को अंदर का जो है पानी को रिपेल करता है तो ये ड्यूअल प्रॉपर्टी इसको एक परफेक्ट कैरियर बनाता है किसके लिए ड्रग को डिलीवर करने के लिए सो ना मल्टी डिसूशनल टीम नेक्सेल टैक्सिल so, uh, करके एक ड्रग है जो जनरली क्या होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है तो उसको और जनरली ब्रेस्ट कैंसर कोलोन कैंसर एंड लंग कैंसर के लिए यूज होता है इसको बेसिकली टेस्ट किया गया है uh, कि इसको डिलीवर किया जाएगा एंड आइडियल गोल फॉर कैंसर थेरेपीज डिस्ट्रॉइंग द कैंसर सेल्स विदाउट हार्मिंग healthy cells of the body and and the chemotherapeutics approved for treatment of cancer are highly toxic. So currently जो ये जो ये docetaxel है ये क्या होता है basically hydrophobic drug है. तो ये क्या हो जाता है इसको dissolve किया जाता है chemical mixture में जिसमें polysorbate 80 होता है और alcohol होता है. So this aggravates a toxic effect on liver, blood cells and lungs. So there was an urgent need कि एक ऐसा drug बनाया जाए कि इसको delivery किया जाए. Hydrophobic basically अब क्या है? वो attach नहीं होता तो जंगली. ठीक है? थेके? आपके सेल्स के साथ तो उसको मिक्स किया जाता था सर्टेन था थाल्यूशन में सो टीम फर्दर स्टडीड द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द नैनो मिसल एंड फाउंडेड द वर्क बाई द एक्सप्रेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेस जीन्स तो ये नैनो मिसल अभी एक कह सकते हो नई फील्ड है जहाँ पर रिसर्च हो रहा है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए तो अभी ऑन गोइंग फील्ड ऑफ रिसर्च है उसके अलावा अगर आप देखोगे ये साइड में कभी ना स्नैपशॉट्स आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग से तो कभी कभी इनको भी देख लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज देते हैं तो एक स्नैपशॉट आया है टर्मरिक को लेके और एक आया है आपके सोलर फ्लेयर्स को लेके स्टेलर फ्लेयर्स को लेके तो स्टडी मेन टू इन्वेस्टिगेट द क्वीजीन ऑफ द ब्रॉन्जेज फाउंड एट द एशियन स्पाइसेस जस्ट टर्मरिक एंड फ्रूट्स लाइक बनाना हैड ऑलरेडी रीज द मेटेरियन मोर देन थ्री थाउजेंड इयर अगर दिस शोज लॉन्ग डिस्टेंस रेड वोज एक्टिव इवन दैन तो मेडिटेनियन रीजन में इंडिया के स्पाइसेस तीन हजार साल पहले से ही चले गए थे और चाहे बनाना हो तो ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड होता था दूसरा आया है अबाउट स्टेलर फ्लेयर्स सच एज द सोलर फ्लेयर्स ऑफ अर सन ठीक है विच डिस्टर्ब स्पेस वेदर आर ऑफन व्यूड एज डेट्रीमेंटल टू लाइफ कि बट जनरली इसको खराब माना जाता है बट एक नई सजी, सजी जो है uh, जो जो स्टडी आई है न्यू स्टडी स्टी इन नेचर एस्ट्रोनॉमी शोज दैट दिस कैन हैव अ क्रिएटिव इफेक्ट बाय ड्राइविंग द प्लैनेट्स एटमोस्फेर कॉम्पोजिशन टू अ न्यू इक्लिबेरियम सम स्पेस वेदर इवेंट्स कैन हेल्प साइंटिस्ट डिटेक्ट सिग्नेचर ऑफ गैसेज दे में सिग्निफाई बायोलॉजिकल प्रोसेस अब ये एक स्टडी आई है, ये बताती है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लान्स में नए टाइप के लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट कर सकता है आपका सोलर फ्लेयर जनरली हम देखते हैं कि हमारी सेटेलाइट डिस्टर्ब हो जाती है आपकी जो है यू नो एक्टिविटी बढ़ जाती है पोलर एरियाज में बट एक नई स्टडी आई है जो बताती है कि शायद ये लाइफ को किक स्टार्ट करने के लिए गैसेस के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए भी कभी कभी यूजफुल हो सकता है ठीक है तो वो चीज़ है तो स्टेलर फ्लेयर्स जो है आपके यहाँ सोलर फ्लेयर्स जो है हमेशा हार्मफुल नहीं होते दे कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी यूजफुल अगला है टॉपिक की हाउ डू कॉनिफर्स जो है के दे कीप द ग्रीन नीडल्स ओवर दी बोरियल विंटर तो आप देखो कॉनीफरस फॉरेस्ट जो होते हैं आपके ठीक है बोरियल मतलब आपका जो जो हार्श कंडीशन रहती है मोस्टली ट्ड्रा और टाइगर रीजन में वहाँ पे आप देखोगे कब उनके जो नीडल्स निकले रहते हैं वो वो अपना सस्टेन रहते हैं वो कैसे रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिनमिना बोला जाता है सस्टेंड क्वेंचिंग जो ऑफर करता है फोटो प्रोटेक्शन एंड नीब दे सर्वाइवल बट इट्स प्रिसाइस मॉलिकुलर और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है अभी तक समझ में पूरा नहीं है

बट दैट एनर्जी कैन नॉट बी यूज इन द फोटो सिंथेटिक मशीनरी एज वेरी लो टेम्परेचर हॉल्स द मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन बट अर्ली स्प्रिंग में अगर आप देखोगे इवन इफ द टेम्परेचर्स आर लो सनलाइट काफी ज्यादा रहती है तो जो एक्सेस लाइट एनर्जी है वो आपके फोटो सिंथेटिक मशीनरी को डैमेज कर सकती है स्पेशली जो प्रोटीन्स है तो अंडर नॉर्मल कंडीशन द टू फोटो सिस्टम द टू फंक्शन लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इन टू केमिकल एर्जी अकेट अबार्ट फ्रॉम एच दर टू प्रीवेंट अ शॉर्टकट इन आरोट फोटो सिंथेसिस तो ये क्या आप कह सकते हो कि बड़े ही एडवांस तरीके से आपका जो ये आ, सिस्टम है ठीक है कि जब लो लाइट रहती है विंटर रहती है और जब जब आपकी जब समर सीज़न आने लग जाता है तो जब ज़्यादा लाइट आने लग जाती है तो उसमें दोनों सिस्टम अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं ताकि एक दूसरे को ओवर पावर ना कर दे सो इट्स बेसिकली लाइक इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए सडनली ज़्यादा करंट आ जाए उस तरीके से काम कर रहा है ठीक है तो इन विंटर जो है ये आपके सिस्टम को थोड़ा नीचे कर देते हैं और समर में आपकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं तो वो क्या करता है कि थोड़ा बहुत जो आपकी एनर्जी रहती है उसको यूज करते हैं आपकी ग्रीन क्लोरोफिल जो है वो आपका इट कीप्स द पाइन नीडल्स इंटैक्ट उसके अलावा ई संपदा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज में आया है सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड एज ई संबदा तो ये बेसिकली गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो है उसको ये हैंडल करेगा एंड ये डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स ऑपरेट करता जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर उसके अंदर तो बेसिकली हाउसिंग को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज को लेकर तो वन नेशन वन सिस्टम अचीव करने के लिए है। ये फोर वेबसाइट्स हैं ईवास जी पी आर ए एस्टेट्स एंड दॉलीडे होम्स एंड द टू मोबाइल एप्लीकेशन एम अशोका फाइव एंड एम आवास हैज इंडिकेटेड एज वन इन सबको एक साथ कर दिया गया अंडर ई संपदा संपदा मतलब एस्टेट्स होता है आपका अरे जाने दो आप लोग क्या लोगों की फ़ालतू बातें पे आ जाते हो इग्नोर करो जाने दो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं नए नए एडवेंचर करने और कभी कभी तो दूसरे चैनल से आ जाते हैं कोई बात नहीं चलता है एन के कुमार जी कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं आप जैसे आपको सही लगे आप जहाँ से पढ़ लो हमें कोई टेंशन नहीं फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच है ठीक है और डेमोक्रेसी है जो बोलना है बोल सकते हो ठीक है अपार्ट फ्रॉम बींग अब्यूज एंड साथ क्या है कि डेमोक्रेसी है यूट्यूब फ्री है जहाँ मन करे वहाँ देखो क्या दिक्कत है ठीक है एनी वे सो एप्लीकेशन क्या करेगा वो प्रमोट करेगा ईज़ ऑफ लिविंग फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट्स और बट हाँ एक चीज़ है कि अटेंशन पाने के ना बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो ये अटेंशन पाने का आपका तरीका है कॉमेंट करने का उससे ज़्यादा कोई फायदा होगा नहीं तो लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें करोगे तो अटेंशन मिलेगी इन सब चीज़ों से नहीं मिलेगी और अब आप आपको आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके इस कमेंट को देख के आपको अटेंशन मिल गई होगी क्योंकि मैंने अब आपके बारे में मेंशन कर दिया तो आई होप आप सेटिसफाइड होंगे यही ऑब्जेक्टिव था आपका चलो मैंने आपको आज आपकी खुशी दे दी अट्ठाईस था तारीख था को एटलीस्ट न्यू ईयर के एंड होते होते नए साल के आते आते आपके लिए कुछ तो इंटरेस्टिंग रहा होगा लाइफ में कि कुछ मैंने अचीव किया कि दीपांशु सर से मैंने अपना नाम बुलवा लिया कॉमेंट सेक्शन में आई होप यूर हैप्पी नाउ सो द ऑटोमेटेड प्रोसेस इन द सिस्टम विल लीड टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इट ऑल्सो अलाउज द यूजर टू लॉन्च कम्पलेन एंड द एप्लीकेशन प्रोड्यूस द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और इसमें एक चैट बोर्ड फेसिलिटी है ए आई सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा आपके यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करेगा आप कुछ सिलेक्टिव सेट ऑफ क्वेश्चन हैं जो ऑटोमेटिकली आप रिवाइव जो है रिप्लाई कर सकते हो सो so, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखोगे एक्टिविटी लॉग भी रहेगा ठीक है सर्विस लेवल बेंच रहेंगे जो इंश्योर किए गए कि आपकी अकाउंटेबिलिटी रहे कब घर विकेट हो रहा है कब खाली हो रहा है कब हो रहा है तो ये सब चीज़ें <coughs> <clears throat> चलो वाइस कम बैक टू द टॉपिक आगे आते हैं ये इंडिया नेबर करके एक आर्टिकल आया था सत्ताईस तारीख को कि इंडिया ने कैसे कोविड चैलेंज में हेल्प किया अपने नेबर्स को काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट आई हैड रिटन इन द आर्टिकल कि द कोविड नाइन पैंडमिक एंड ओरिजिनेटेड इन चाइना हैज लेड टू वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ चैलेंजेस इंडिया रैंक करता सेकंड आफ्टर यूएस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस तो बट हम अगर आप देखोगे हमने अपने साथ साथ आ, अगर आप देखोगे कि इंडिया ने अपने साथ साथ बाकी कंट्रीज को भी सपोर्ट किया चाहे वो क्लोरोक्विन हो चाहे वो आपकी कोविड की वैक्सीन की बात हो रही हो तो हमने साथ के लिए कोविड फंड बनाया इंडियन ओशन रीजन में अगर आप देखोगे सारी कंट्रीज को हेल्प किया वंदे भारत मिशन में हमने ना ही सिर्फ इंडियन सिटीजन बट बाकी फॉरनर सिटीजन को भी रेस्क्यू किया तो क्या हमारे मिलिट्री स्टैंड ऑफ से रीजनल टाइज जो इफेक्ट हुए थोड़े बहुत हुए ऑफकोर्स हुए चाइना के साथ डिटोरेट हुए बट फिर भी अगर आप देखोगे हमारे लिए अच्छी चीज़ क्या थी कि हमारा बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे दो तो इंडिया नेपाल के रिलेशन ख़राब हो गए बट तो आपको पता ही नेपाल में अब सरकार गिर चुकी है इलेक्शन होने वाले हैं वो ऑलरेडी इशू चल रहा है वहाँ पे तो इंडिया के पास नेपाल नेपाल चाइना का इशू था ठीक है यूएस में इलेक्शन का इशू है और साथ में कोविड तो तीन अलग अलग चैलेंजेस थे उसको अलग अलग तरीके से हैंडल किया और द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस यू नो हैज़ बीन टू असर्ट इट्स नेबरहुड फर्स्ट इन सागर एज अ यू नो फॉरन स्ट्रैटेजी पॉलिसी सो इंडिया ऑल्सो हैज अब द गेम ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी हो गया चाहे पर्टिकुलरली दूसरी कंट्रीज को हेल्प करना हो कनेक्टिविटी में हेल्प करना हो वैक्सीन डिलीवरी में हेल्प करना हो बांग्लादेश में जैसे आप देखोगे रेलवे कनेक्टिविटी डीजल लोकोमोटिव देना हो रिवर इन प्रोजेक्ट्स इनलैंड वाटरवे फेरी सर्विसेज टू द मॉलिवस आइडेंटिफाइंग अदर सर्विसेज टू श्रीलंका एंड इंडियन ओशन रीजन तो ये सब चीजें हमने करी तो ये एक तरीके से आपके पॉइंट हो सकते हैं आई में जो स्पेशली जो लोग मेन्स देने वाले हैं जनवरी में उन लोगों के लिए कि कैसे हम लोग आई में और चीजें लिख सकते हैं कि इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट के अंदर क्या क्या किया है ठीक है सो न्यू इज ईलोल इनकेजिजिंग इत स्वाड पार्टनर्स लाइक यूएस जपन ऑस्ट्रेलिया टू कोलाबरेट ऑन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स इन नेबरहुड अंग विद प्रमोटिंग फोरेज बाय अदर पार्टनर्स लाइक यूके फ्रांस जर्मनी इन द रीजन उसके अलावा इंडिया की फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी स्टार्ट होने वाली है फॉरन मिनिस्टर ऑफ जो फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहाँ के मध्य प्रदेश के उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया की फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी वो कहाँ पे बांधक और टाइगर रिजर्व मज़ा आएगा वहाँ पे तो ये जो है वैसे बहुत सारे एयर बलून राइव ए कंट्री बट दिस इज़ द फर्स्ट एयर बलून सफारी ऐसा नहीं कि इंडिया में और जगह नहीं है बट सफारी नहीं ठीक है पूरा ये आपके नेशनल पार्क में घुमाएगा आपको ये टाइगर रिजर्व में अब अच्छा है ना एटलीस्ट लोग बाहर से ऊपर से देखेंगे इंटरफेयर नहीं करेंगे शेरों के पास जाके जो फोटो खींचते हैं दूर से देख लो भाई सो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन द बफर जोन कोर एरिया में बिल्कुल नहीं जाएंगे बिकॉज डिस्टर्ब होते हैं टाइगर दिस सर्विस विल ऑपरेटेड बाई जयपुर बेस्ड स्काई वॉल्स कंपनी टूरिस्ट कैन ऑल्सो वॉच टाइगर्स इंडियन स्लॉथ बेन लेपर्स फ्राम हाइट ड्यूरिंग द राइट ठीक है तो उसके बाद इसको बोला जा रहा है कि पेंच टाइगर रिजर्व पन्ना में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा अब सिंपल सी बात है हॉट एयर जो है राइज करती है आपकी जो लाइटर होती है उसके बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो लाई इज इन द ईस्टर्न सतपुरा हिल रेंज इट इज़ नोन फॉर एवरग्रीन साल फॉरेस्ट बांधव मीन्स ब्रदर एंड गर्ड मीन्स द फोर्ट यहाँ पे एक फोर्ट है बहुत पुरानी उसके नाम पे इसको नाम रखा गया है एंड uh, ये माना जाता है ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि द फोर्ट इज बिलीव टू हैव अगेन बाई लक्ष्मण टू तो हिज ब्रदर लॉर्ड राम कि लक्ष्मण जी ने लॉर्ड राम को ये गिफ्ट की थी अपने भाई को गिफ्ट की थी फोर्ट इसलिए बांधवगढ़ बांधव मीन्स भाई बंधु वहाँ से आया गढ़ मीन्स द फोर्ट तमन्ना जी उदयपुर में है कोशिश करेंगे वैसे उदयपुर में आया था 2018 में बट मुझे दिख ही नहीं बट मैं कोशिश करूंगा कि शायद अगर मुझे, मुझे मौका मिला इस साल तो पक्का देखता हूं मैं उदयपुर में आके ट्राई करूंगा नाउ इंडिया टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकानमी 2025 थिंक टैंक तो ऐसा बोला जा रहा है कि शायद इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकानमी बन जाएगा दो तक और फाइव ट्रिलियन डॉलर के बारे में तो अभी नहीं बोल सकते बट थर्ड स्पॉट आ जाएगा बाई दो और चाइना जो है यूएस को आउटपेस कर देगा दो तक तो अभी कोविड में थोड़ा हम पीछे हो गए बट शायद वापस आ जाएंगे 2025 तक एंड इंडिया हैड ओवरटेकन यूके इन 2019 बट क्योंकि कोविड हो गया तो हमारी इकानमी काफ़ी नीचे गिर गई एज अ रिजल्ट आफ्टर ओवरटेकिंग द यूके इन 2019 ट्वेंटी द यू के ओवर इंडिया अगेन इन दिस ईयर्स फोकास्ट इंडियन वुड ओवरटेक जर्मनी इन ट्वेंटी एंड जापान इन ट्वेंटी तो दो में हम लोग जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकानमी बन जाएंगे और बाकी फिर आगे तो खैर है ही हमारा देन अफगान पीस टॉक जो रिज़्यूम हो रहे हैं दोहा में कतर में आपको पता होगा यह तालिबान के साथ पीस अग्रीमेंट चल रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको साइन करवाया था तो ये बेसिकली नेगोशिएशन चल रहे हैं विद द अफगान गवर्नमेंट के साथ ऑन हाउ टू कंसॉलीडेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द पावर अमग दम सो नगोशिएशन एंड द पीस मूवमेंटिटेफाइडी द टॉक्स बिटवीन तालिबान एंड द यू तो अभी दोबारा से रिज्यूम हो रहा है बीच में कोविड था इशू चल रहे थे इस वजह से थोड़ा ये बैकसाइड हो गया था अब वापस ये स्टार्ट हो रहा है सो यू एस पाकिस्तान चाइना रशिया एज वेल एज नेटो विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंडिया को भी अनऑफिशियली इन्वाइट किया गया है बिकॉज इंडिया के लिए अगर आप देखोगे अफगानिस्तान का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नवर कॉर्नर रहा है और अफगानिस्तान में इंडिया ने हमेशा हेल्प किया है चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे वो कल्चरल एस्पेक्ट में हो या हर चीज़ में तो इसलिए डायरेक्ट बॉर्डर्स नहीं है हमारे अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान चाहता भी नहीं कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो बट देन डोनाल्ड ट्रंप एंड बाकी लोगों ने अब इसको इन्वाइट किया है इंडिया को देखते हैं आगे कैसा चलता है देन जीरो कूपन बॉन्स जो ये स्टार्ट किए गए हैं सो द इनोवेटिव गवर्नमेंट टूल टू फंड पब्लिक सेक्टर बैंक दे कीप डेफिस इन चेक जीरो कूपन बॉन्ड्स का क्या होता है बेसिकली कि ये आप दोबारा सेल नहीं कर सकते इट इज नॉट ट्रेडेबल इट इज नॉट ट्रांसफरेबल और ये सिर्फ स्पेसिफिक बैंक में स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं दो गवर्मेंट हैज़ यूज दी फाइनेंशियल इनोवेशन टू रिकटिटलाइज दी पंजाब एंड सॉरी पंजाब एंड सिंध बैंक बाई इशूइंग द लेंडर रुपीज फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड वर्थ ऑफ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्स वैल्यूडेड पॉर

स्पेशल इसलिए होते क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या बैंक ही इसको, इसको इशू कर सकता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ओनली बैंक जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बताए गए हैं वही इन्वेस्ट कर सकते हैं नोबडी एल्स ना ही ट्रेडेबल है ना ही ट्रांसफरेबल है देन एक्सप्लेन सेक्शन में आया है द सिग्निफिकेंस ऑफ नियरली अड ईर ओल्ड स्नैक बार दैट पॉम्पई तो रिसर्चर्स ने एक थर्मोपोलियम को अनर्थ किया है निकाला है कहां से ये कह सकते हो लैटिन वर्ड है फॉर हॉट ड्रिंक्स काउंटर बेसिकली एक इन द रोमन एम्पायर टाउन ऑफ पॉम्पी जो आपको पता होगा कि डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू वॉल्कैनिकप्शन तो ये वन ऑफ तो द वर्ल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है द स्नैक फूड काउंटर कॉल्ड एज अ थर्मोपोलियम एट द पॉम्पे आर्कोलॉजिकल स्पार्क रिग्यो फाइव विच वॉज पार्शली एक्सक्रेटेड ट्वेंटी विद एन इमेज ऑफ अ नेराइट रीडिंग अ हॉर्स डेकोरेटिव स्टिल लाइफ बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक तरीके का उस समय का बार काउंटर था ये जो आजकल आप देखो ना बार काउंटर्स होता है होटल में ड्रिंक्स काउंटर तो ये उस समय का ये रोमन बार काउंटर था दिस फाइंडिंग इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट शोज द वैराइटी ऑफ फूड कंज्यूम बाई द पीपल ऑफ दैट टाइम पोक फिश स्नेल्स बीफ ये सब चीज़ें सो इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम इन इंटायर थर्मोपोलियम हैज बीन एक्सकवेटेड कंप्लीट विद पेट्रियाज ब्रॉन्स ड्रिंकिंग बोल सेरेमिक जार ठीक है यूजली फाउंड फॉर स्टोरिंग एंड यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाइन एंड ऑलिव ऑयल ठीक है नाउ नेक्स्ट इज़ अगेन हाउ मैन मेड वेट कैन ट्रीट वेस्ट वाटर तो अगर आप देखो कि वेटलैंड का काम क्या होता है पानी को रिचार्ज करना आपके ग्राउंड सर्फेस को रिचार्ज करना एट द सेम टाइम फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं तो इसीलिए एक बड़ा इनोवेटिव चीज़ हो रही है दिल्ली और यमुना में आप देखोगे दिल्ली के आसपास यमुना के आसपास वेटलैंड बनाए जा रहे हैं मैन मेड आर्टिफिशियल ताकि वो वाटर को क्या करें फिल्टर कर सकें तो जो भी आपका सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के बाद भी उसको इसके थ्रू पास किया जाएगा ताकि ये अब्जॉर्व करें आपके जो मोस्टली टॉक्सिक चीज़ें हैं एंड देन दैट द वॉटर कैन बी यू नो डम्प्ड इन टू यमना सो डेली आर प्लानिंग अ मेथड यू नो अथॉरिटीज़ इन डेली आर प्लानिंग मेथड टू नेचुरली ट्रीट अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड मिलियन लीटर ऑफ वेस्ट वाटर तो इसमें तीन स्टेप हैं बट डज नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिसिटी पहले क्या होगा माउथ है जहाँ पे ड्रेन का वहाँ पे uh, प्रोफेसर बाबू लीड करें टीम को तो वन एकड़ का लगभग वेटलैंड बनाए बोल्डर्स इन प्लांट लैंड अब वो क्या करेगा द ड्रेन प्रोसेस क्या करेगा वो ऑक्सीडेशन पॉइंट में जाएगा जो पहला स्टेप है तो यहाँ पे जो सॉलिड मटेरियल है वो क्या होगा आपका बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करेगा देन द वॉटर देन ट्रेवल्स फर्दर एंड थ्रू स्मॉल रिजेस मेड फ्रॉम बोल्डर्स विच क्रिएट टर्बुलेंस एंड टर्मुन एरिएशन ठीक है फिर उसको आपके अलग अलग बोल्डर्स पत्थर डाले हुए हैं रिजेस बनाए गई जहाँ से जो बाकी आपका डेबरी है वो अक्यूमुलेट होगा और इससे क्या होगा एरिएशन मतलब वाटर जो है के अंदर आपके Uh, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है एयर मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट करेंगे इससे क्या होगा वाटर और एयर क्लोज कॉन्टेक्ट में आएंगे इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल बबल्स ऑफ एयर विच विल राइज थ्रू द वॉटर एंड रिमूव डिजोल्व द फाइनल स्टेप जो होगा इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा वन द वॉर प्रोसेस ट्वेंटी फाइव स्पीशीज ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग टाइफा फैगमाइट्स एपोमिया साइप्रस ये प्लांट्स की स्पेसिफिक चीज क्या होती है कि ये ना गंदगी को एब्सॉर्ब करते हैं एंड हैवी मेटल्स को एब्सॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है तो इन स्पीशीज का नाम याद रखना टाइफा फैगमाइट्स एपोमिया साइप्रस ये क्या करते हैं आपके हैवी मेटल एब्जॉर्व करते हैं इंक्लूडिंग आर्सेनिक जिसको लेके काफी आजकल दिल्ली के आसपास पॉइजनिंग हो रही है तीन स्टेप प्रोसेस है पहला क्या है एक तो वेटलैंड जैसे बनाना आर्टिफिशियल जहां से ड्रेन निकल रहा है वहां पर सॉलिड मटेरियल रिमूव होगा बीओटी बैक्टीरिया से आपका जो ये डिजोल्व मैटर है वो आपका डिकम्पोज होगा सेकंड रिजेस एंड ग्रूप से भेजा जाएगा इसको जिससे क्या एरिएशन हो जाकर एयर बबल डिजोल्व और डिजोल्व गैसेस को निकालें थर्ड स्टेप में फाइनली क्या करेंगे दे विल पास इट थ्रू द स्पीशीज ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स जो आपकी डिजोल्व मेटल्स को करेंगे सब नेचुरल न्यू न्यू कॉन्सेप्ट एंड गुड कॉन्सेप्ट लास्ट में देखेंगे क्या गवर्नर के पास पावर होती है एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट को रिजेक्ट करने की दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द केरला गवर्नर एंड द केरला गवर्नमेंट आस्किंग फॉर अ स्पेशल इमरजेंसी सेशन जो मैंने बताया आरिफ मोहम्मद खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया ऐसे कुछ फ्यू इंस्टेंसेज हैं जहां पर गवर्नर जो है समन कर सकते हैं हाउसेज को डिस्पाइट द रिफ्यूजल ऑफ द चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अपियर्स टू हैव लॉस द मेजोरिटी अगर वैसे अगर आप देखो कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है वो आपके प्रेजिडेंट से तो ज्यादा ही होती है जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है इट इज मच मोर हायर देन योर एंड मच मोर वाइडर देन दी प्रेजिडेंट ठीक है सो वैन द चीफ मिनिस्टर अपियर्स टू हैव लॉस द मेजोरिटी एंड द मेम्बर्स ऑफ द हाउस प्रपोजल नो कॉन्फिडेंस मोशन तब ये बुला सकते हैं बट द एक्शन गवर्नर वेन यूजिंग दिस डिस्ट्री पावर कैन भी चैलेंज द कोर्ट मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है और एक मल्टीपल आप देखोगे कि दो तीन बार ऐसा हो चुका है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर चीफ मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने रिटर्न में रिक्वेस्ट किया है ऑफ सेशन और वो सरकार मेजोरिटी में तो गवर्नर को आइडली रिफ्यूज नहीं करना चाहिए So, latest in the line of the ruling is the landmark 2016 constitutional bench ruling in the Supreme Court looked into the constitutional crisis in Rajasthan, Pradesh after the governor had imposed the President rule. Rachal Minister Karko reinstate Karna pad gaya tha because of this. Ordinary circumstances were during the period when the chief minister and his council minister enjoy the confidence of the majority of the house, the power vested the, with the governor under Article 174 to summon, prorogue, dissolve the house must be exercised in consonance with the aid and advice of the chief minister and council of ministers. सो इन द अबव सिचुएशन ही इज प्रिक्लूडेड मतलब पावर नहीं है ऑफ टेकिंग एनी इंडिविजुअल कॉल ऑन द इशू एट इज ओन विल और इन इज ओन डिस्क्रिशन अगर सरकार मेजोरिटी इंजॉय करती है इतना पता होता गवर्नर को तो गवर्नर को बात माननी पड़ेगी किसकी कैबिनेट की अगर उन्होंने बोला है तो भैया बुलाना पड़ेगा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं बुलाएंगे तो केस भी फाइल हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के थोड़ा खिलाफ जा रहा है इस वजह से न्यूज़ में आया आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टॉपिक है लास्ट बद नॉट द लीज द क्लिप्टिंग सो रीसेंटली रिलीज ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट प्लेस करता है इंडिया कोड्रेड एंड एलेवंथ पोजिशन पे अगर आप देखोगे वन सिक्सटी टू नेशंस अगर टोटल हम काउंट करें ट्वेंटी एटीन का डेटा है लगभग सत्रह पोजिशन इंडिया की नीचे गिर गई तो ये पर्सनल इकोनॉमिक फीडम मेजर करता है यूजिंग एज मनी सेवेंटी सिक्स इंडिकेटर्स इंडिया इज वर्स्ट फॉल्स इन टू थाउजेंड एट वॉर रिकॉर्डेड यूजिंग दिस इंडिकेटर तो उसमें इंडिया को बोला गया है भाई इंडिया की जो ह्यूमन फ्रीडम है वो कम हो रही है सत्रह पोजीशन गिर गया पिछली बार से दो का डेटा है वैसे ही तो पर्सनल फ्रीडम रूल ऑफ लॉ सेफ्टी रिलीजियस फ्रीडम एसोसिएशन मीडिया फ्रीडम इस पर अलग अलग रैंकिंग की जाती है इकोनॉमिक फ्रीडम पे भी आकर आप देखोगे अलग अलग इंडिकेटर्स में किया जाता है सो इंडियाज रेटिंग ड्रॉप्ड अक्रॉस वेरियस इंडिकेटर फॉर पर्सनल फ्रीडम सच एस सेफ्टी फ्रॉम फिजिकल एग्रेशन एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस अ रिलीजन दो द ओवरऑल जेड स्कोर हियर इंक्रीज मार्जल इट स्टिल रिमेन्स अंडर जीरो तो फिजिकल वायलेंस रिलीजन को लेके जो अगर आप इश्यूज देखोगे तो इंडिया की रैंकिंग खराब हुई है उसके अलावा जेड स्कोर versions सच एज द साइज ऑफ गवर्नेंस ठीक है इकोनॉमिक सिस्टम को लेके भी इंडिया की रैंकिंग खराब हुई है तो ये चीजें चलिए लास्ट में तो क्वेश्चन करेंगे फिर आज का सेशन एंड करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट में रिगार्डिंग द एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ए बी यू ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर्स नो इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिया एज अम्बर टू द ओके सो करेक्ट आंसर मोस्टली पीपल आर सेइंग इज ए ए ए सो करेक्ट आंसर इज डी एक्चुअली स्टेटमेंट वन भी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट डी भी इनकरेक्ट है दोनों इनकरेक्ट है ए से पेसिफिक जो है नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन है फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन में बनाया गया था फॉर द डेवलपमेंट एंड फेसिलिटेटिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन द एशिया पेसेफिक रीजन एंड स्टेटमेंट टू भी इनकरेक्ट है बिकॉज ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन अंडर प्रसार भारतीय मेंबर्स ऑफ द ए

और हम लोग बाकी मिलेंगे कल डिटेल्ड एनालिसिस के लिए बाकी जो कल की हमारी न्यूज़ होगी आज जितने लोग देख रहे हैं फटाफट इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब बाकी डिसलाइक करने वाले तो देखो रोज़ लोग आते होते हैं उनके बारे में क्या करें वो चार से पाँच छः सात लोग रहेंगे रहेंगे बट तो बाकी लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप लोग एनालिसिस पसंद आ रहा है आप चाहते हो कि हम लोग और ऐसे इन डेप्थ कवरेज करते रहें आप लोगों के लिए सो लाइक द वीडियो शो सम लव शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल करेक्ट आंसर इज डी ठीक है दोनों ही आपका गलत है इसमें भी इन नाइदर वन नॉट टू बुडीमा डां जाम्बिया में है एंड पानून इज इन मलेशिया तो दोनों को स्वैप कर दिया है बुडीमा जाम्बिया पानून इज इन मलेशिया इज एन ओल्ड मले पोयम दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फोर लाइंस इन ईच टांजा द फर्स्ट टू लाइंस आर हिंट एंड द अदर टू कैरी द एक्चुअल मीनिंग तो, तो न्यूज़ में आया बिकॉज ऑफ द इनटैनजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को में इसको ऐड किया गया है ठीक है एंड ये जो है जाम्बेजी ग्वेम्बी वैली के लोग जो हैं इसको अगर आप देखोगे प्रैक्टिस करते हो इसको भी यूनेस्को यु, की इन कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया बहुत इंपॉर्टेंट है यूनेस्को की लिस्ट इनफैक्ट बाहर का नहीं पता एटलीस्ट इंडिया के तो पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से आते हैं इस लिस्ट में ठीक है सर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज़ में क्या डिफरेंस है गवर्नेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक एस्पेक्ट है बस साक्षी गवर्नेंस बात करता है एग्जीक्यूटिव पोर्शन की कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव के बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं सो so, लास्ट चार दिन बचे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऑन द डिस्काउंटेड प्राइसेस यू कैन यूज़ द कोड एंड जॉइन द अमेजिंग बैचेस जो आज अट्ठाईस तारीख से चालू हो रहे हैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ठीक है और यू कैन यूज दिस कोड ऑल्सो टू टेक सब्सक्रिप्शन बाकी टेलीग्राम चैनल मेरा भी है दुपांशु सिंह ऑफिशियल जहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे यू कैन स्कैन द आर कोड एंड दपांशु सिंह ऑफिशल करके टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको ये नोट्स अपार्ट फ्रॉम अन अकेडमी आर्टिकुलेट टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको ये नोट्स मिलेंगे बाकी शाम को टी डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करें और आप ये ज्वाइन uh, कर सकते हैं कोर्सेज पी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर दोनों ही एंड थैंक यू सो मच एवरी फॉर ट्यूनिंग इन हैव अ ग्रेट डे हेड एंड अ ग्रेट वीक लास्ट चार दिन बचे हैं इस साल के कुछ जो भी आपके प्लान्स हैं जो भी आपके गोल्स हैं अभी से उस पर काम करना चालू कर दें ताकि अगले साल में स्टार्ट होते ही आप लोग जो है उस पाप पर लग जाए चलिए थैंक यू सो मच आई एल सी यू इन दी प्लस क्लासेस साढ़े बारह बजे मिलेंगे एक घंटे बाद हम लोग हमारी गवर्नेंस क्लास के लिए जहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में आज हम बात करेंगे थैंक यू सो मच एवरीवन बाय हैव अ गुड डे